बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय शहर हारून किचन। दोस्तों, आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ मानसून स्पेशल रेसिपी। पकोड़े बनाने में जा रही हूँ और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं, तो अगर आपके पास बेसन कम है तो ये बहुत आसानी से तैयार हो सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा बेसन के पकौड़ों से भी ज़्यादा ये क्रिस्पी और टेस्टी लगते हैं। तो मैं दिखा देती हूँ, आज मैं डबल रोटी के पकौड़े बनाने जा रही हूँ, यानी कि ब्रेड स्लाइस के। तो ये मैंने ब्रेड ली है, तो ये तो मैंने ताज़ी ली है, अगर आपके पास एक दिन पुरानी भी हो तब भी ये चल जाएगी। तो ये मैंने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ली है, तो आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसे कर सकते हैं। तो इसको हमें छोटे पीस में हमें कट करना है, तो इतने बड़े ऐसे टुकड़ों में हम इसे कट कर सकते हैं। बस ऐसे ही रफली ही इसे हमें करना है, तो ये हम कर लेंगे बाद में। यहाँ मैंने लिया है 2 बड़े आलू, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है और अच्छी तरह से मैंने इसे धो लिया है, और छन्ने में डालकर स्ट्रेनर में इसको पानी इसका एक्सेस सब निकाल दिया है। 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं और 1 टमाटर लिया है। टमाटर वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन अगर डालेंगे तो इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि इससे खटास होती है। और यहाँ मैंने प्याज ली है और इसको स्लाइस कट कर लिया है, और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से धोकर यूज़ किया है। और यहाँ मैंने कुछ ये लिए हैं पाउडर मसाले, तो यहाँ लिया है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही लिए हैं मैंने यहाँ लाल मिर्च, क्योंकि पकौड़े जो हैं वो थोड़े चटपटे ही अच्छे लगते हैं। 1/2 चम्मच से कम लिया है ज़ीरा, तो साबुत ही लेना है। और 2 चम्मच लिया है मैंने बेसन, 1 चम्मच लिया है मैंने यहाँ पर अरारोट, और 2 चम्मच लिए मैंने यहाँ पर सूजी यानी रवा, ये क्रिस्पीनेस के लिए मैंने लिए है। अगर आपके पास सूजी ना हो, चावल का आटा हो, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर अरारोट ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेड के स्लाइस को इतने बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। सारे ब्रेड को हमने इतने बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो हमने लिए थे मसाले, तो यहाँ मैंने हल्दी भी ली है, मैं आपको बताना भूल गई। तो कलर के लिए मैं हल्दी यूज़ कर रही हूँ इसमें, क्योंकि इससे कलर जो है वो बहुत अच्छा आता है। और ये जो जितनी वेजीज ली हैं ये भी हम डाल देते हैं। अभी हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि सब्जियों में भी थोड़ा मॉइस्चर है। तो पहले हम इसी तरह से इसको देखिए, टमाटर में भी पानी है, तो अभी हम ऐसे ही मिलाना शुरू करते हैं। और अगर नहीं मिल पाएगा बैटर, तो फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि बैटर को हमें बहुत ज़्यादा ये पतला नहीं करना है, क्योंकि फिर पकौड़े बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो अच्छी तरह से इसे मिला लेते हैं। हमने मिला लिया है, लेकिन बैटर में हमें थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम यहाँ पर पानी डालेंगे, तो चम्मच से हम डालेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी ना हो जाए। तो पहले मैं ये 5 चम्मच पानी मिलाकर देखती हूँ, अगर ये कम पड़ेगा तो हम फिर और डालेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इसको, तो मुझे तो बिल्कुल, मेरा बैटर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है 5 चम्मच पानी डालने में। तो आप अपना हिसाब देख लें, ब्रेड कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप देख लें। तो बैटर हो गया है हमारा बिल्कुल रेडी। तो गैस पे हमने ऑयल रख दिया है, और ऑयल को हमें अच्छी तरह से गर्म करना है। सरसों का तेल मैं यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादातर मैं अपने सारे खाने में सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, क्योंकि सरसों का तेल जो होता है वो हेल्दी होता है। तो यहाँ हमने ऑयल रख दिया है, ऑयल हमारा मीडियम हॉट है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। तो बस इसमें हम पकौड़े डालना शुरू कर देते हैं। तो साइज़ आप अपने मन से रखें, जितना बड़ा आपको साइज़ चाहिए। तो बरसात के टाइम है, और ऐसे बारिश के मौसम में चाय के साथ पकौड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और ये पकौड़े क्रिस्पी भी बनकर बहुत तैयार होते हैं, तो इसे आप ज़रूर से बनाएं। फ्लेम बहुत तेज़ है, इसलिए मैं इसको बंद कर देती हूँ। तो बस एक बार में हम इतने ही डालेंगे, और इसको हम अच्छी तरह से पलट पलट कर अच्छे से, जब तक फ्राई ना हो जाए, जब तक हम इसे फ्राई करेंगे, इसे कम से कम 5 मिनट तो लगेंगे।
इसको फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए थे और हमने इसको पलट दिया है, क्योंकि जितने स्लो फ्लेम पर ये बनके तैयार होंगे वो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगेंगे। और देखिए एक साइड से ये अच्छा कलर आ गया है इस पर, ऐसा ही कलर हमें चाहिए था। लेकिन ये ब्रेड के पकौड़े हैं इसलिए फ्लेम का बहुत ध्यान रखें कि फ्लेम बिल्कुल भी ज़्यादा ना करें, वरना बहुत तेज़ी से ये जलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए फ्लेम का बहुत ध्यान रखें, अगर ज़्यादा तेज़ हो गया है तो इसे बंद भी कर दें आप। तो इस तरह से हम इसे पलट पलट कर अच्छा सा कलर आने तक और अंदर तक से फ्राई होने तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं। इसे 5 मिनट हो गए हैं और अच्छी तरह से ये फ्राई हो गए हैं, तो बस ये एकदम कुक हो गए हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं और दूसरा बैच जो है वो हम इसमें डाल देते हैं। हमारे बनकर रेडी हो गए हैं और बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। मैं इसकी आवाज़ आपको एक बार सुना देती हूँ, तो ये देखिए कितने क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुए हैं और खाने में बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बने हैं। तो इसे ज़रूर बनाएं, मानसून स्पेशल है, बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। हमें अपनी दुआ में याद रखें, मिलते हैं ऐसी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।